नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव पत्रिका आगरा से। इस समय हम मौजूद हैं एटा ज़िले में, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे सामने ये गेहूं का खेत है, जिसमें इस समय गर्मी के कारण आग लग चुकी है। आग लगने की घटनाएं पूरे प्रदेश में बहुत अधिक हो रही हैं। सिर्फ एटा ज़िले की बात करूँ तो यहाँ बड़ी संख्या में आगजनी की घटनाएँ हुई हैं। हालांकि कई लोगों का मानना ये भी रहता है कि आग लगने के कारण कई रहते हैं। अभी हाल ही में आग एटा के जिला अधिकारी आईपी पांडे जी ने निर्देश जारी किए थे कि जितने भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, किसानों का जितना नुकसान हो रहा है उन्हें राहत दी जाएगी। लेकिन यहां अभी बात करें, करीब 15 मिनट पहले आग लगी है। यहाँ पर अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँची हैं, ना ही कोई पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ से बात करूँ कि पुलिस चौकी कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा खेत में आग लगी हुई है, इसके बगल में ही पेट्रोल पंप भी है। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी तक दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुँची हैं। यहाँ पर कुछ लोग जुटे हुए हैं, उनसे बात कर सकते हैं। कहाँ से हैं आप? ये पुल पर दुकान है हमारी। ये कितनी देर पहले लगी है? ये 15 मिनट पहले लगी है। कोई आया यहाँ पर, कोई पुलिस का कर्मचारी? कर्मचारी नहीं। किसी को सूचना दी यहाँ पर? किसी को सूचना दी? फोन नंबर पर सूचना दी है। कितनी देर पहले दी थी? 15 मिनट पहले दी है। शुभ नाम जानना चाहूंगा? रविंद्र सिंह। यहाँ पर रविंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र सिंह ने बताया करीब 15 मिनट पहले यहाँ पे आग लगी। इन्होंने डायल 100 पर सूचना भी दे दी, इसके बाद भी यहाँ पर दमकल की गाड़ी नहीं पहुँची है। करीब जिसके भी खेत में आग लगी है, करीब एक अनुमान के मुताबिक 6 से 7 बीघा का ये खेत है जिसमें आग लगी है। यहाँ गेहूँ की फसल उगाई जाती है। ये शायद, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, कि कुछ लोग आग बुझाने का यहाँ पर प्रयास भी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक किसान लगातार आग बुझाने का प्रयास करते हुए ये, इसे कुदरत का कहर ही कहेंगे, जो किसानों पर, धरती के भगवान कहे जाने किसानों पर बार बार टूट रहा है। जी, हम मौजूद हैं अभी एटा ज़िले में। यह हजारा नहर यहाँ से गुजरती है, उसके पास की घटना है। बड़ी घटना ये है कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि जहाँ आग लगी है उससे चंद, बहुत कम, 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पेट्रोल पंप है। यहाँ के लोगों ने बताया कि करीब 20 मिनट हो चुके हैं लगभग, और पुलिस को, दमकल को सूचना दी गई थी, इसके बाद भी यहाँ पर दमकल नहीं पहुँची है। आग तेजी से बढ़ रही है।